हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में बात करने वाले कि अपने मोबाइल में स्टाइलिश कीबोर्ड कैसे अप्लाई करें। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ मैंने स्टाइलिश कीबोर्ड को अप्लाई किया है। मैंने यूट्यूब ओपन किया और यहाँ पे आप कीबोर्ड को देख सकते हैं। यहाँ पे कलर मतलब कि कीबोर्ड का कलर भी चेंज है, कीबोर्ड का फॉन्ट स्टाइल भी चेंज है। तो अगर आप भी इस तरह का मतलब कीबोर्ड अप्लाई करना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन में, तो यार वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, स्टाइलिश कीबोर्ड को अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। लास्ट में बता दूंगा कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले मैं उसका बताता हूँ कि उसको डाउनलोड करने के बाद यूज कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, मैं एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मतलब दिखेगा। एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो आपको देखिए एग्री का एक ऑप्शन मिलता है, आई एग्री का। तो आई एग्री पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको देखिए फर्स्ट वाले पर क्लिक करके इसका परमिशन दे देना होगा। उसके बाद सेकेंड वाले पर क्लिक करना पड़ेगा, सेलेक्ट फास्ट टाइपिंग कीबोर्ड, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फास्ट टाइपिंग कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले पे भी क्लिक करना है तो आपको ऐसे परमिशन देना है यहाँ पे। तो परमिशन देने के बाद यहाँ पे लोडिंग प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे मैं लोडिंग हो जाने देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 100% होगा। तो फ्रेंड देखिए लोडिंग प्रोसेस खत्म होने वाला है। लोडिंग प्रोसेस खत्म हो गया तो आपको ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाता है। यहाँ देखिए टेक्स्ट योर कीबोर्ड, यहाँ पे टेक्स्ट करने के लिए बोल रहा है कि जब आप मतलब कि कुछ भी कहीं पे भी अपना कीबोर्ड ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है। यहाँ पे टेस्ट योर कीबोर्ड का ऑप्शन आ गया, यानी हमारा ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है। और यहाँ पे आपको फ्रेंड देखिए, यहाँ पे देखिए आपको 1000 कॉइन मिल गया यहाँ पे। और अगर आप, मैं आपको बताता हूँ कॉइन का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको माई थीम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप सिंपल और ये वाला आप रख सकते हैं। ये वाला हमारा ऑटोमेटिक अभी अप्लाई हो चुका है। हमारे फ़ोन में पहले ये वाला था तो अब ये वाला हो चुका है। उसके बाद आपको देखिए कस्टम थीम का ऑप्शन मिलता है, इस पर प्लस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ कलर चूज कर सकते हैं, क्या कलर रखना चाहते हैं आप, वो वाला कलर आप यहाँ चूज कर लीजिए। अब कलर को चूज करने के बाद आपका ये कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके देखिए फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करके आप देखिए ऐसा इंटरफेस वहाँ पे दिखेगा। उसका फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने बता दिया। उसके बाद स्टिकर पर आप क्लिक कर लीजिए। स्टिकर पर क्लिक करने के बाद देखिए ट्रेंडिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से आप कौन सा स्टिकर, कोई अगर जैसे आपको स्टिकर पसंद आता है तो यहाँ से आप स्टिकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 900 कॉइन इतना आपको यहाँ पे कॉइन देना पड़ेगा, जो कि हमारे पास 1000 कॉइन पहले से ही है। मतलब हम इसी एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो 1000 कॉइन में पहले से मिल जाता है। तो आप यहाँ से स्टिकर को डाउनलोड करना है, जैसे मान लीजिए किसी स्टिकर को, तो उसी स्टिकर पे क्लिक कर लीजिए। स्टिकर पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपको देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए तो ये हमारा स्टिकर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। उसका फ्रेंड्स देखिए यहाँ पैक अवेलेबल इन कीबोर्ड, यानी हमारे कीबोर्ड में अप्लाई हो चुका है। उसमें मैं बैक आके और कुछ दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अब मात्र 100 कॉइन बचे हैं, 100 कॉइन। तो अब हमें कॉइन खरीदना है, तो कॉइन खरीदने के लिए हम क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप मोर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए आप वॉलपेपर पे क्लिक करके यहाँ से कोई वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे किसी वॉलपेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ से आप वॉलपेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए फॉन्ट, यहाँ पे आप फॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कीबोर्ड में जो आप फॉन्ट लगाना चाहते हैं यहाँ से फॉन्ट डाउनलोड कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कॉइन ही नहीं रहेगा तो हम फॉन्ट डाउनलोड कैसे करेंगे। तो कॉइन को इकट्ठा करने के लिए आपको देखिए कॉइन पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, वॉच अ वीडियो इंस्टेंट, मतलब 800 कॉइन आपको मिलेगा। तो अगर एक वीडियो आप देखेंगे तो 30 सेकेंड का मतलब वीडियो चलता है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे वीडियो शो होने लगा है। फ्रेंड्स 18 सेकंड का वीडियो शो हो रहा है, तो मैं इसको वॉच कर लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कॉइन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए एड खत्म होने वाला है, तो एड खत्म हो गया। उसके बाद कट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके कट कर देना होगा। देखिए एक ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे आपको ले जाएगा। तो वहाँ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपल बैक हो जाना है, आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप यहाँ देखेंगे मेरे पास 100 कॉइन था, 900 कॉइन हो गया। तो हम जैसे कोई भी फॉन्ट खरीदना है तो हम देखिए फ्रेंड्स यहाँ फॉन्ट पे गए और यहाँ से आपको जो फॉन्ट पसंद आता है उस फॉन्ट पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। कन्फर्म क्लिक में देखिए सिलेक्ट योर अप्लाई, यानी हमारा फॉन्ट डाउनलोड होकर अप्लाई हो चुका है। यहाँ तक मैंने आपको जो बताया सब कुछ आप समझ गए होंगे। तो मैं ये देखिए मेरा पूरा कट हो गया, तो मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारा ये कीबोर्ड का थीम मिल रहा है। तो आप यहाँ से कौन सा कोई भी थीम रखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है। जैसे हमारे हमारे फ़ोन में एड शो होता है, उसी तरह से ये एप्लीकेशन का यहाँ पे एड शो हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपको ये वाला चाहिए, तो इसको अगर चाहिए तो आपको देखिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर पर लेके जाएगा। तो वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कुछ इस तरह का कीबोर्ड यूज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स वीडियो में बस यही था, मैं आपको एक बार यूट्यूब ओपन करके दिखा देता हूँ कि वहाँ कीबोर्ड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। सभी जगह आप कीबोर्ड मतलब कीपैड देखेंगे तो वहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स कीबोर्ड देखेंगे तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ सर्च बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, सर्च बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए मैंने जो यूज़ किया था अभी, जो फॉन्ट स्टाइल मैंने डाउनलोड किया था वो वाला फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गया, कलर भी अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज करके अपने फॉन्ट स्टाइल को स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा, वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में डालना पड़ेगा फास्ट, यहाँ पर मैं देखिए डाल देता हूँ फास्ट कीबोर्ड टाइपिंग, यही आपको सर्च करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स प्ले स्टोर पर भी हमारा कीबोर्ड अप्लाई हो चुका था। तो फ्रेंड्स जब आप डालेंगे फास्ट कीबोर्ड टाइपिंग तो ये फर्स्ट रैंक एप्लीकेशन मिलेगा। देखिए मैंने डाउनलोड किया तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वो सॉरी फ्रेंड्स इंस्टॉल का, तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।